हाजरी नादाब, हम सब डामा ग्रुप गालिबिश छूट की पेशकश एक पुराना अल्बम उर्दू प्ले पेश किया जाएगा। मैं हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से आली जनाब सलीम आरिफ साहब, लुबना सलीम साहिबा, मुनीसुर रहमान किदवाई साहब और इस ऐवान में मौजूद तमाम मुआज़्ज़िज़ हाज़रीन का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आपके खिदमत में पेश है ड्रामा एक पुराना एल्बम। स्टेज से उतरने लगा तो दूर कहीं से रात की रानी की महक आई। मैंने मुड़कर देखा वो सामने खड़ी, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 30 बरस पहले थी। फर्क था, फर्क थे उसके बाल, उसके लंबे बाल जो पहले कमर से नीचे तक आते थे अब कंधों पर सिमट के रह गए। मुझे अपने हवास पर काबू पाने में बहुत वक्त, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो। बातें करना चाहता था, जानना चाहता था कि इन 30 तवील बरसों में कहां रही, उस पर क्या क्या बीती। लेकिन मैं डर रहा, मैं उसका मुजरिम था। अगर उसने सबके सामने सजा देने का फैसला कर लिया तो कॉफी पिएंगे। हम दोनों बैठ के कॉफी का इंतजार करने लगे। वो बाहर देखे जा रही थी लेकिन मैं उसे देखे जा रहा। उसके चेहरे पर वो कहानी पढ़ना चाहता था जो अचानक से शुरू हो गई और फिर शायद खत्म भी हो गई, या शायद नहीं। शबनम, शबनम नासिर की बहन थी। नासिर मेरा लंगोटिया यार, बचपन का यार। जब कभी मैं उसके घर जाता था ना, तो उसके कपड़े पहन लेता था, वो कभी मेरे घर आता था तो वो भी मेरे कपड़े पहन लेता था। खानदानी ताल्लुकात ऐसे थे कि घरों के अलग अलग होने का एहसास कभी हुआ ही नहीं। शबनम को भी तब से देखता आ रहा हूं, तब वो कोई देखने की चीज नहीं थी। इसका बांस की तरह लंबी और छिपकली की तरह पतली जबान, जबान ऐसी एक बोलो तो चार सुनाती थी। मैं अक्सर उसे चिढ़ाने के लिए कहा करता था शब, मैंने कभी शबनम नहीं कहा, हमेशा शब कहता। और जब चिल्लाने लगती ना तो समझाने लगता, क्या तू इतनी काली है, तेरा नाम होना चाहिए शब। अच्छा? हाँ, शब यानी काली रात। बता क्यों मैं? नमी और नरमी तो तुझ में है ही नहीं जो एक शबनम में होती है। मानो इसका सांवला रंग इसका सबसे कमजोर पहलू था। इतने गोरे चिट्टे लोगों के खानदान में सांवली कैसे पैदा हो सकती है? चीखती चिल्लाती, कभी कभी तो रोती भी थी, मुझे बड़ा मजा आता। मैं और नासिर जब मैट्रिक में आए, शबनम 7वीं में थी, तब्दीली नहीं आई थी कोई, थोड़ी सी लंबी हो गई थी, दुपट्टा भी सर पर रखने लगी थी। जब मैं और नासिर इंटर में दाखिले के लिए भाग दौड़ कर रहे थे,
दो बड़े हादसे हो गए। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और नासिर को भेज दिया गया पढ़ने के लिए अली। मैं बिल्कुल अकेला हो गया, समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया, इतना अकेला क्यों हो गया। पूरे दिन कमरे में बैठा रहता, सोचता रहता मुझे हो क्या गया। कोई आसपास नहीं था, कोई नहीं था, कोई था अब्बास था, दोस्त बचपन में, लेकिन अब्बास को पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मेरे साथ आए, खेले, मस्ती करे, जैसे मैं और नासिर किया करते। लेकिन अब्बास ने जब एक दिन मेरी हालत देखी ना, किताबें विताबें छोड़ के ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारने लगा। अक्सर कहता था, नहीं यार, किताबों से अच्छा साथी कोई नहीं होता है, तू पढ़ेगा ना सब कुछ भूल जाएगा, एक नई दुनिया में पहुंच जाएगा, अनोखी दुनिया, ये पढ़ बहुत मजा आएगा तुझे। वही हुआ जो अब्बास ने कहा था। अपनी जिंदगी का पहला नॉवेल था वुमेन ऑफ रोम, मैंने अब्बास से लेकर ही पढ़ा था। 500-600 सफ़े का नॉवल एक हफ्ते में चक कर लगा, किसी की याद भी नहीं। ये पढ़ने की और बहुत सा पढ़ने की लत अब्बास की लगा हुई, अब तो जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। वक्त ने फिर पलटा खाया, मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, अब्बू के दोस्त भी थे, उन्होंने मुझे बंबई आने का बुलावा भेजा। मेरे घर वालों ने बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में इजाजत भी दे दी, लेकिन मैं जाने से पहले नासिर के घर गया, नहीं नासिर अलीगढ़ में था और खत के जरिए अलविदा भी कह चुका था। खाला जान और शबनम से मिलना जरूरी। खाला जान पूरे साल किसी ना किसी चीज का अचार डालने में मसरूफ रहती, उनका पसंद नहीं। खाला जान, वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूं खाला जान। खाला जान बहुत प्यार से मिली, अपनी एक बंबई की सहेली का पता मेरे हाथ में दिया और बंबई की खूबसूरती का जिक्र कर दिया। कभी शादी से पहले बंबई देखा था उन्होंने, मुझे याद है उस दिन जब मैं जाने लगा तो शबनम दरवाजे पे निकली, अरे भूली क्या? नहीं, कुछ काम कर रही थी। ठीक है, ये मैंने खुद बनाया। भाई हमारी बिटिया आजकल बहुत अच्छी कशीदाकारी करने लगी है। जी। वाह। थैंक यू शब। मेरा मतलब है शब। उस दिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे मुस्कुरा के सर हिलाया और चली गई। मैंने भी लिफाफा लिया और निकल गया। बंबई पहुंच के मालूम चला कि जो कुछ पढ़ा लिखा देखा था सब गलत था। तालाब के किनारे बैठ के समंदर की वसत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन क्या करें, जब रक्स करना मुकद्दर हो तो पांव की जंजीर देखने से क्या फायदा। चुनाचे लग गया काम पर और ऐसा लगा कि 2 साल कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। नासिर अब्बास के खत आते थे, मेरा हौसला बढ़ाते थे, परदेश वो जगह होती जहाँ एक प्यार की नजर मिल जाए ना किसी दौलत से कम नहीं होती। मुझे याद है नासिर ने अपने खत में लिखा, गर्मियों की छुट्टियों में घर जा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मैं भाग गया। मुझे याद है वो पूरा हफ्ता मैंने नासिर के घर पे गुजारा था, अपने घर तो सोने के लिए जाता था, बाहर लू चलती होती, शबनम नाना के यहाँ लखनऊ गई हुई थी, मैदान बिल्कुल खाली था, हम खस्ते चिट्ठे के बने कमरे में बैठ कर ताश खेलते और खाला जान के बनाए शरबतों के मजे। एक दिन शबनम ने लिखा नासिर कि वो वापिस आ रही है और मैं उसके आने तक ठहरू, मैं नहीं ठहरा। उसकी 2 वजह थी, मेरी छुट्टी खत्म हो रही थी और दूसरी वजह खुद शबनम। शबनम मुझे पसंद नहीं की थी, कभी मेरे पसंदीदा लोगों की फेहरिस्त में थी ही नहीं। शबनम से मेरी मुलाकात बंबई आने के 7 बरस बाद हुई। मेरी अम्मा की तबीयत खराब थी, डॉक्टरों ने कहा दिल की बीमारी है। मैं छोटा भाई था, देखभाल करता था, लेकिन नौकरी पेशा आदमी रोज रोज अस्पताल के चक्कर नहीं लगा सकता है ना। और मुझे ही बंबई से निकले 5 बरस हो गए थे, 2 महीने की छुट्टी लिया था। याद है 3-4 दिन अम्मा को दिखाने में, डॉक्टर को ले जाने में, इसी में गुजर गए, कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं मिला।
अब्बास ने याद दिलाया कि खाला जान तुझे याद कर रही थी, वो ज्यादा क्यों नहीं है, मिल कर आओ उनसे। मुझे याद आया, मैं जब से आया हूँ नासिर के घर ही नहीं गया हूँ, उसको पता लगेगा तो कैसा लगेगा। मैं उस दिन गया। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे खाला जान? अच्छा, बहुत प्यार से मिलती थी खाला जान, पता नहीं क्या क्या अल्लम गल्लम खिलाती रही और मुझसे बंबई के बारे में पूछती रही। उस दिन भी जब मैं उसके जाने लगा खाला जान बोली, भाई शबनम से मिलते जाना, कॉलेज से आती ही होगी। ठीक है छिपकली बेगम से मिल लेते। छिपकली की तरह पतली और बांस की तरह लंबी नहीं, उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें, ऐसी मुस्कुराहट जैसे हंसी आते आते रुक गई। उसका बदन भी भर गया था और रंग भी निकल गया। नहीं शबनम, मैंने ऐसी शबनम पहले कभी नहीं देखी थी और अब देखा तो देखता ही रह गया। इतने दिन हो गए आए हुए और आज फुर्सत मिल रही है आपको। क्या बताएं भाई, इतने चाहने वाले हो गए हमारे, हमें कहीं आने जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा, और हम कौन है, आपके दुश्मन? दुश्मन नहीं हो तो दोस्त भी नहीं है। खाला जान हमारा दोस्त तो नासिर है, और देखो नासिर अली का। सुन लिया आपने अम्मी, आप तो उनको सारा दिन मेरा बेटा मेरा बच्चा कहते नहीं थकती हो, और जनाब वो तो हमें कुछ भी नहीं समझते। भाई तुम दोनों बचपन से लड़ते आ रहे हो, लड़ो, मैं जा रही हूँ, कबाबों का मसाला पिसवाना है। ये टूथब्रश कहाँ से लिया? कौन सा टूथब्रश? टूथब्रश ही लगता है ये। ये ना हम लड़कों को फ्री में मिलता है, आपको मिल नहीं सकता है, सॉरी। मुझे चाहिए भी। मुंबई कैसा शहर है? मुंबई बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत बड़ा शहर है। आप क्या करते हैं? अरे मैं तो एक अखबार में छाप मार रहा हूं। मिल जाती है क्या? जब तुम काफी बदल गई हो शबनम, शबनम, लेकिन जबान की तेजी वैसी है बचपन वाली। तेजी कैसे कम होगी, रोज हरी मिर्च खाती हूँ। भैया मैं नहीं कर रहा, तुमसे जीतना बड़ा मुश्किल काम है। तो कोशिश भी मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, वहां कोई आपको लड़की लड़की है? लड़की लड़कियां तो इतनी नहीं है, मैं क्या बताऊं। अच्छा हाँ, एक तो साथ में रहती है। साथ में रहती है? सचमुच? हाँ मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वो आपके साथ रहती है आपके घर? अरे नहीं, वो ना मेरे ऑफिस पे काम करती है। ताई किस? आप ही ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे बचपन में लुच्चे। उस दिन जब मैं उनके घर से निकला ना तो शाम हो चुकी थी, पता नहीं क्यों शाम ना ऐसे लग रही थी जैसे रात की रानी महक रही है, ऐसे आसमान में नारंगी धारियां दिखाई देने लगी और उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके अधखुले होंठ, मेरे लिए बहुत नया एहसास था। मैंने कभी किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया, मैंने कभी किसी लड़की को इतने करीब से देखा भी था। मेरा दिल बार बार शबनम से मिलने को करने लगा, लेकिन अपने आप को रोकता। भैया इस जैसी तकरार लड़की ने अगर मेरे दिल की हालत हाँप ली, पता नहीं क्या होगा। दूसरे दिन मेरे से रुका ही नहीं गया, मैं गया ना तो पता चला
शबनम को जुकाम है, अपने कमरे में पड़ी हुई। हे शबनम, पी ले। नहीं अम्मी। सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, इसको समझाओ कि जो शानदा पी ले, जुकाम हुआ है, पी लेगी तो शाम तक ठीक हो जाएगा। आ जाइए। आइए। मिजाज कुर्सी करने आए हैं? नहीं नहीं, देखने आया हूँ। इतनी सी तो तुम्हारी नाप है, उसमें जुकाम उसा कल से। क्या खुदा, शुक्र है कम से कम आपने वो घिसा पिटा जुमला नहीं मारा। क्या मेरी डिग्री को भी हो गया जुकाम? मैं तुम्हें मेरी की कभी भी नहीं कह सकता, पागल हो क्या? देखिए मेरी की कभी कितनी खूबसूरत होती है मेरी। देखिए अगर मेरी बीमारी से फायदा उठाने की कोशिश ना, छक कर मारूंगी। सॉरी, मैं झगड़ा खत्म करके सीरियसली पूछ रहा हूँ, शबनम जुकाम कैसे है? ये अम्मी है ना, क्या किया? तजुर्बे करती रहती है। लेमू का ऐसा शरबत पिलाया, मेरा नाक भी बंद और गले में भी दर्द है। जुशांत भी शाम तक ठीक। अम्मी का जुशांत कभी नहीं। उस पूरी शाम वो मुझसे बंबई के किस्से सुनती रही, जैसे छोटे बच्चे परियों की कहानियां सुनते हैं ना, ऐसे मैं सुनाता रहा। जाने लगा तो कहने लगी जोशांत पीने का वादा करूंगी। नहीं पीना मुझे, नहीं आऊंगा। अच्छा पी लूंगी। अल्लाह, इस लड़की ने ना जबान पे धार लगवा रखी है। कुछ धार वार नहीं है खाला जान, अब लड़के लोग ना लड़की समझ के कर देते हैं। अजी, ये लड़का होने की दोस्त का ही और जमाना, समझे? इंदिरा गांधी का जमाना है, लड़कियों को डराने धमकाने के जुर्म में अंदर कर दिए जाओगे। स्मार्ट खान, पहले जो झड़पे मुझे बुरी लगती थी ना, अब अच्छी लगने लगी। मैं छेड़ता वो फुलझड़ी की तरह छूटती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। अब्बास मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मेरे साथ मेरे फार्म पे चला, मेरा मन नहीं था लेकिन दोस्त था, मैं दिल नहीं तोड़ा, मैं चला गया। अरे बड़ी खूबसूरत जगह थी, ऐसे चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में अब्बास का बंगला, आमों के बगीचे के बीच में, पीछे एक नदी बहती थी। हम पूरे दिन ताश खेलते, फल खाते और जंगल में घूमते रहते, बड़ा मजा आता। मुझे ना एक लड़की से जुनून की हद तक इश्क हो गया है, और इस सिलसिले में मैं अपने अब्बा से बात भी कर चुका हूँ। पता अब्बा ने क्या बोला? जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से करा देंगे वो। क्या बात है यार, तुझे कोई लड़की पसंद आई कि नहीं? नहीं कोई नहीं। बता। है एक, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा मैं। नाम तो बताऊंगा तो पहले अपनी वाली का नाम बता। फिर तो तुझे साल भर ठहरना पड़ेगा, जैसे ही मेरे बीए का रिजल्ट आएगा ना तुझे खुद पता चल जाएगा लड़की कौन है। देख ला, मुझे ना बात से जरा न्यूज दे, ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दे रखा है, तो लड़की भी इसकी पसंद की मिलेगी। अगले दिन जब मैं वापस गया तो मैं वापस सीधा शबनम के घर पे गया, नहाने गई हुई, मैं उसके कमरे में चला गया। मुझे लगा जब तक नहा के आएगी मैं किसी किताब से मिल लेता। शबनम के कमरे में किताबें बड़े सलीके से लगी होती थी, लेकिन एक किताब थी अधखुली थी और उसमें से कलम भी झांक रहा था। मैं जाकर उठा लाया, देखे तो सही छिपकली बेगम आजकल क्या पढ़ती है। मैंने उठा के देखा तो शबनम की डायरी। बोला किसी डायरी पढ़ने ठीक बात नहीं है, मैंने बंद कर, अल्फाज ने हाथ पकड़ लिया। पता है शबनम ने अपने बच्चों जैसी हैंडराइटिंग में लिखा था, वो कब आ रहा है, कब आएगा, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूं। कल वो हमारे घर आया था,
वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, बस फर्क ये आया है कि उसने मुझे रख लिया। वो अम्मी से बातें कर रहा था लेकिन मैं जानती हूं कि उसकी आंखें मुझी पर जमी हुई थी, वो मुझे देखे जा रहा था। ऐसा लगा जैसे दिमाग में बिजली सी घूमती हो, सारी चीजें मेरे बारे में थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत नया एहसास था, कुछ अजीब था जो आंखों से रगों में उतर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कितना अच्छा होता है ना किसी को चाहना, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लगता चाहेगा। मैंने तो जी जल्दी ना और सफर पट्टे मैं उसे चाहती हूँ मगर वो मुझे कहाँ चाहता है उसे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। उसे तो ये भी नहीं मालूम मैंने उसे कितना याद किया है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं बरसों से उसका इंतजार कर रही हूँ। उसे कहाँ मालूम है मैं बचपन से उसे पसंद करती हूँ। जब भी सोचा है उसी को सोचा है और किसी को नहीं। जब भी देखे हैं उसी के ख्वाब देखे, अगर उसने मेरे ख्वाब कहाँ देखे होंगे। मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरे ख्वाब की लंबी लंबी पलकों वाली आंखों पर कई बार दस्तक दे चुके। मैं उसे कैसे बताऊं उसकी बिखरी हुई जिंदगी को मेरी जरूरत। उसे मेरी जरूरत है मैं उसे कैसे समझाऊं। अचानक से आहट हुई। मैंने सबसे पहले जाके डायरी रख दी। मैंने देखा शबनम धीरे धीरे ऊपर आ। ओहो आप हैं, अब्बास से छुट्टी मिल गई आपको। क्या हो गया सब खैरियत तो है। क्या हुआ अब ऐसे चुप चुप क्यों खड़े हैं। क्या देखा है आपने, आपने मेरी डायरी पढ़ ली। हाँ किताब समझ के उठा ली। चले जाइए। शबनम मैं ऐसे जा रहा था, मिल रहा किताब होगी मैं उठा के पढ़ लूंगा। मैंने ऐसे चले जाइए। शबनम मेरा कोई चले जाइए। शबनम मैं सच में मैं तो किताब समझ ही नहीं आया कि क्या होता है। मैं उसके आंसू पूछना चाहता था लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। मैं चला। पूरी रात बंद आंखों से जागता रहा, बादल मेरे पैरों के नीचे से गुजरते रहे। शबनम की तो आंखें जुगनुओं की तरह मेरे अंदर कभी जलती कभी बुझती। इतना अच्छा लगता है ना किसी को चाहना, ज्यादा अच्छा लगता है चाहे जाना। एक आवाज आती थी बार बार जो पूछती थी, मजाक तो नहीं है ये, तेरे साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है। इस जैसी लड़की को तुझमें ऐसा क्या दिख गया जो इतनी शायराना बातें लिखी। ना तू खूबसूरत है ना दौलतमंद है, बनती भी नहीं है कोई।
अल्फाज डायरी के अल्फाज सामने आ जाते सारी आवाज़ें आया हुआ। मेरा मन बार बार करने लगा कि मैं शबनम से मिलूं, जाकर शबनम को देखूं। खुद को रोकता लेकिन जब नहीं रहा जाता था ना तो चला जाता। मैं अगले दिन गया घर पे नीचे नहीं आई। खालाजान ने बताया कि सुबह से कमरा बंद करके बैठी है, कुछ काम कर रही है कॉलेज। मैं जानता था कमरा बंद करके क्यों बैठी है, पता नहीं कि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो चला अगले दिन मैं फिर गया, नीचे तो आई लेकिन मेरी तरफ बिना मुड़े खालाजान से मिली। अम्मी मैं रुखसाना के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। शबनम मेरी बात सूरत देखने तक को तैयार नहीं थी। मेरा जानना जरूरी था कि ये अपनी चोरी पकड़े जाने पे शर्मा रही है या सचमुच नाराज है, लेकिन देख लीजिए सूरत को देख लीजिए। मेरा मिलना जरूरी था, कोई चार पांच दिन बाद मुलाकात हुई। अकेली थी शबनम घर पे, सोच रही थी कुछ। मैं गया जाके चुपचाप उसके पीछे खड़ा। जो कुछ लिखा है डायरी में सच है? जी। मतलब जानते हो उसका? जी। फादर कह रहे? जी। क्या जी जी लगा रखा है? ठीक से बात कर लो ना। चलो कर तो रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा है जो तुमने इतनी सारी शरारत बात करी? मुझे नहीं मालूम, जो जी में आया वो लिख दिया। ठीक है, जो तुम्हारे जी में आया तुमने लिख दिया। अभी सोचा है कहानी आज काम तक जाएगी? सारी बातें आज ही कर लेंगे क्या? नहीं, लेकिन शबनम करनी तो पड़ेगी, ये छोटी बात नहीं है। मैं आपके लिए आम का शरबत बना कर रहा हूँ, बहुत गर्म है, अच्छा लग रहा है। सुनो ना, बैठ जाओ, देखना चाहता हूँ। क्यों, आज तक देखा नहीं है क्या? हाँ प्लीज, पहले जैसे बात की मुझे शर्म आ रही है। मैं आपके लिए आम का शरबत बना कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुन। चलिए, इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, बात ही नहीं, कभी खुल के बात नहीं की। कोई समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। मैं पूरी रात बंद आंखों से जागता रहा। समझ नहीं आ रहा था, इतना अच्छा लगता है किसी को चला, उससे ज्यादा अच्छा लगता है जारी रहा। अगले दिन जाना तो पड़ेगा ना, नौकरी का सवाल है, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है।
भी आपके साथ चलूं? Yes. हाँ, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे किसी ना किसी स्कूल में तो जॉब मिल ही जाएगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। कौन जाने दे रहा तुम्हें साथ में? क्यों नहीं जाने देंगे? मेरा लास्ट ईयर है और मुझे मालूम है कि मैं आसानी से पास भी हो जाऊंगी, और फिर तो मैं आजाद होंगी ना, कहीं आऊ कहीं जाओ। तुम ना सच में बुद्धू हो, हिंदुस्तान है ये शबनम, यहाँ एक कुंवारे लड़के को एक कुंवारी लड़की के साथ बाहर जाने की इजाजत तो मिलती नहीं है, तो मुंबई जाने की बात है जल्दी। तो शादी कर लीजिए। शादी? जी शादी। ये कैसे कैसे मुमकिन है? मुमकिन कैसे नहीं, क्या बुराई आप में, सब तो आपको पसंद करते हैं, और नासिर भाई वो तो आप पर जान देते हैं, उनको पता चलेगा ना उछल पड़ेंगे। आसान नहीं है, लड़की ना बराबर वालों को दी जाती है, मैं किसी हैसियत से तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। आपका मतलब है आपके पास पैसे नहीं है? हाँ वो भी नहीं, अरे भाई आज नहीं है कल तो हो सकते हैं, और मैंने कहा ना हम मिलकर काम करें। ख्वाब बड़े हसीन होते हैं लेकिन सच्चाइयां हसीन नहीं होती हैं। आप डरते हैं? हाँ डरता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या कोई मुझ पे हंसे, इसलिए डरता हूँ। ओके आप कुछ मत कीजिए, सब कुछ मैं करूँ। क्या करूँ मैं? हाँ? मैं अम्मी अबू नासिर भाई को जमा करूंगी और कह दूंगी मुझे आपसे शादी करनी है, भाई इस घर की इकलौती बेटी लाडली भी हूँ और जिद्दी भी, मेरी बात कोई नहीं टाल सकता। पता है उस दिन मुझे कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे ना मैं बिल्कुल छोटा बच्चा बन गया। छोटे बच्चे होते हैं ना जो खिलौने लेने तो चाहते हैं मगर डरते हैं कि कोई शबनम आपसे मुझे अच्छा नहीं लगता। अगली मुलाकात में वो और होगी, मुझे मना लिया कि उसका रिजल्ट आने के बाद मैं अपनी अम्मा को उसके घर रिश्ता लेके भेजूंगा, पहले मंगनी होगी और फिर जब मेरे हालात ठीक हो जाएंगे ना तो शादी हो गई, बम्बई जाएंगे छोटा सा घर बनाएंगे। जो भी मेरे साथ हो रहा था ना मुझे ऐसा लगा तुझे किसी को बताना है, मैं जो ख्वाब देख रहा हूं वो जहन की बनाई हुई तामीर या तस्वीर, मेरे आस पास तो कोई था ही नहीं, अब्बास था। अरे यार तेरा चक्कर क्या है? हुआ जब देखो सोचता रहता है, बातें करते करते कहीं खो जाता है, बिला वजह मुस्कुराता रहता है तू, तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इश्यू हो गया तुझे? नहीं पागल बोल मुझसे क्या पड़ता, लड़की पसंद आई हो तो बता दे मुझे। देख रहा हूं मैं आजकल नासिर के घर में बहुत बैठा रहता है, कहीं शबनम पे दिल तो नहीं आ गया तेरा? बोल सच में
फेंक रहा है। शबनम बड़ी टेढ़ी चीज है, किसी किसी से बात ही नहीं करती है वो तो, और दो लौंडे तो पिट भी चुके कॉलेज में उसके हाथ से, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी पिट जाए। अगर उसको देख के दिल में कुछ होता है ना तो अपने दिल को संभाल और बंबई चले जाता हूँ। जाऊंगा मुंबई, पर दोस्त अकेले मुंबई नहीं जाऊंगा। मतलब मैंने पूरी कहानी अब्बास को नफ्स बलफ्स सुना और वो सुनता रहा, आंखें झपकाता रहा। उड़ गए होश, बहुत अच्छी लड़की है यार, उसे खुश रखना। बस बस बस, क्या हुआ? उसने तुझे डायरी दिखाई? हाँ, मेरी डायरी दी। डायरी में शबनम का नाम था, कलम बदले थे, रोशनाई बदली थी, लेकिन एक जगह तो मैं गरज कर ही रह गया उसके। सच में खून से शबनम लिखा हुआ था। मैंने खुद के देखा, अब्बास सर झुकाए बैठा, तब मैंने डायरी रखी, निकल गया वहां से। पूरी रात में बंद आंखों से जागता रहा, मेरा पूरा वजूद एक दौरा पे आके खड़ा हो गया कि किधर जाऊं। अगर मैं खुदगर्ज हो भी जाता हूं, जैसे इश्क खुदगर्ज होता है, अब्बास की डायरी को भूल भी जाता हूं, तब भी सवाल कम नहीं होते हैं। शबनम, मेरे साथ तुम रास्तों पे कैसे चलेगी जो यहां से मुंबई तक पीछे हुए? और दूसरी तरफ अब्बास, इसके रास्ते में कोई पत्थर नहीं है। सारी खुशियां दे सकता है शबनम को जो मैं कभी नहीं दे सकता। सोचता रहा, लेकिन जब सुबह सूरज की पहली किरण मेरी खिड़की से अंदर आई ना, तो मैं फैसला कर चुका। पहला काम किया, स्टेशन गया बंबई की टिकट, और दूसरा काम किया बस। जा रहा इस शहर से भी जा रहा हूं, और दोनों की जिंदगी से भी जा रहा। ऐसे एकदम से शबनम का दिल तोड़ना ठीक नहीं है, थोड़ी सी एक्टिंग करेंगे। पहले पहले खत लिखूंगा, धीरे धीरे खतों का सिलसिला बंद कर दूंगा। जब उसे पता चल जाएगा कि मैं एक फरेब से ज्यादा कुछ नहीं था, मौसम भी बदल जाएगा और अब्बास के सहरे कितनी अजीब बात है ना, धोखा एक ही है, लेकिन खुद को दे दे तो उम्मीद कहलाता है और दूसरों को दे तो गुनाह है। मुझे याद है बंबई जाने से एक दिन पहले शबनम मिलने आई थी, बंबई जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, कोई तुम कोई भूलने की चीज लिखेंगे, लेकिन डायरेक्ट भेजूंगा ना तो खाला जान देख लेगी शायद। अब्बास को भेजूंगा, अब्बास लाके दे देंगे, ठीक है? अब्बास पर भरोसा है आपको? हाँ, बचपन का साथी है, हमारा भरोसा भी है। आपने अब्बास को बताया कि? नहीं, मैं कुछ नहीं बताया। मैं बात कर लूं।
और आप देर मत लगाइए। और खाती जल्दी जल्दी सेकंड क्लास के डब्बे मैं इस तरह से बैठा था जैसे कोई मुजरिम छिपने की कोशिश करता है। बाहर एक दुनिया ऐसे गुजरी चली जा रही थी, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि बाहर कुछ है। ट्रेन एक स्टेशन पर मैंने बाहर देखा तो छोटी सी बस्ती थी, ऐसी छोटा बच्चा चार पाई पर पड़ा तेज तेज रो रहा था। एक औरत झाड़ू लगा ली, औरत ने बच्चे को देखा, झाड़ू फेंकी, गई और मेले से दुपट्टे से बच्चे को माथा पोंछा। मुझे लड़की शबनम दिखाई दी, मुझे लगा मैं शबनम भाई जिंदगी नहीं देख सकता हूँ, मुझे कोई हक नहीं शबनम भाई जिंदगी देने का। इस वजह से एजेंसी दूर हुई है कुछ। बंबई आके सबसे पहला काम किया एक तवील खत शबनम को लिखा, सब कुछ लिखा जो सुनना चाहती थी। खत अब्बास को लिखा कि मुश्किल काम है भाई पर कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही है पर थकवाओ, आगे तेरा काम है। खतों का सिलसिला धीरे धीरे बंद कर दे, शबनम को संभालना, टूटने ना देना, खुदा कामयाब कर। लेटर मैंने डाला ना जिस दिन, ऐसा लगा जैसे दिमाग से ना बोझ उतर गया। उसके बावजूद मैं शबनम के खत का इंतजार कर रहा था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं कर रहा था। रोज जाके पूछता खत आया, रोज जवाब मिलता नहीं आया। अब्बास को लिखा, अब्बास ने लिखा शबनम ना कश्मीर चली गई है, उसके वालिद की वहां पोस्टिंग थी। मैंने कहा तो खत तो कश्मीर से भेज सकती है ना, लेकिन खत नहीं आ रहा था। नासिर को लिखा, नासिर ने भी शबनम के बारे में कुछ नहीं बताया। नासिर ने मुझे कहा कि मैं आगे पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जा रहा हूं और शबनम लाहौर में अपने मामू के पास। ये लगा शबनम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी, एकदम से गायब कैसे हो गई। आखिरी खबर थी जो मैंने शबनम के बारे में सुनी। उसके बाद उसकी आंखें, उसके बाल, उसके होंठ सब आखिर शब के मुसाफिरों की तरह जुदा। और आज जब 30 साल बाद वही शबनम सामने बैठी है ना, तो दिल कर रहा है कि इसको फिराक का एक शेर सुन। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हुई और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा हो। अब अपने दिल में पूरी कहानी दोहरा चुके हैं या कुछ बाकी है? जो कहानी कोई भूला ही ना हो उसे दोहराने की जरूरत नहीं होती। आपको कहानी याद है, माशाल्लाह आपने काफी तरक्की कर ली है। मैं क्या मालूम क्या कर। लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी शौहरत भी बड़ी होती जाती है। मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं,
ऐसी कोई बात हुई नहीं जो बताने के काबिल। कहाँ रही इतने बरस? भटकती रही। लगता है तुम अपने बारे में कुछ भी बताओगे नहीं। कहा ना, अगर बताने जैसी कोई चीज होती तो जरूर बता देती। एक बात बताओ, मेरे खत का जवाब क्यों नहीं दिया? आपके खत में एक नहीं दो खत थे, समझ में नहीं आया किसका जवाब लिखूं। मेरे नाम का था और एक वो खत जो आपने अपने दोस्त अब्बास को लिखा था। आपका दोस्त बेवकूफ निकला, उसने लिफाफा खोलकर अपना खत अलग नहीं लिया बल्कि बंद लिफाफा ही मुझे दे। आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, खत कम से कम अलग अलग। शबनम, एक बार तुमने पूछा तो होता कि मैंने जो कुछ किया तुम किया। मैं पूछने की क्या बात थी, आप अपने दोस्त को एक तोहफा देना चाहते थे, एक जिंदा तोहफा जो मुझसे बेहतर क्या हो सकता था। वो बात नहीं थी शबनम। शबनम कही शब आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैंने जो कुछ किया इसलिए किया कि मैं तुम्हें अपने साथ परेशानियां उठाते नहीं देख सकता था। आप मुझे परेशानी में नहीं देख सकते थे या अपने दोस्त को? बाय वो आपका दोस्त मेरा सच्चा आशिक दो शादियां कर चुका है, कई बच्चों का बाप है और ऐश करता है। हर इंसान को पछताने का पूरा मौका मिलना चाहिए। क्या करती हो आजकल? बच्चों को पढ़ाती हूँ और शायरी करती हूँ। शायरी किस नाम से करती? मैं तो पढ़ी नहीं। पढ़ी छपवाती नहीं, डायरी में लिख कर रख देती हूँ उम्मीद पर कि शायद कोई आए और छुपके से उसे पढ़े। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनो, चार दिन यहाँ हूँ मैं और फिर मिलोगी? दूर कहीं उन लोगों की भीड़ में जाके डूब हो गई जो पता नहीं कहीं से आ रहे थे या कहीं जा रहे थे।